5:30 बज चुके हैं। शिखर सम्मेलन बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम ढलने के साथ ही साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए जिस सभागार में हमारी मौजूदगी है यहां पर जबरदस्त सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। ब्रेक से पहले आपने सुना आरजेडी के रघुवंश बाबू और सीपी ठाकुर को, और अब इसी गर्मा गर्म को आगे बहस को आगे बढ़ाने का वक्त हो चला है, और इसी वजह से जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। आप मंच पर आइए और उनके सामने होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा। आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं और उनके साथ इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। माइक में आपको बोलना है, मनोज जी माइक आपने पकड़ लिया है। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत स्वागत करिए मनोज झा जी का और विनोद नारायण झा साहब का। परिचय के कोई जरूरत नहीं है, बगैर वक्त गंवाए मैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करता हूं, क्योंकि मनोज जी की फ्लाइट है, उनको जल्दी, उन्होंने कहा था कि जल्दी समापन हो जाए इस कार्यक्रम का ताकि वो समय से जा सके, उनको घर में कुछ बेहद जरूरी काम है वापस दिल्ली लौटने पर। मेरा पहला सवाल मनोज जी आप ही से है और मैं चाहूंगा इनके सवाल के जवाब से विनोद जी आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फ्लॉप रहीं? क्यों? सबसे बड़ा एक कारण देखिए, इस प्रश्न के परिदृश्य में मैं उस प्रश्न को लूंगा जो बाकी लोगों से भी पूछा गया कि आप मोदी जी के डर से आप सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न में एक साम्य है। जी हां, एक डर है, लेकिन डर मोदी जी के व्यक्ति से नहीं है, उनकी नीतियों से है। मैं कहूं ईमानदारी से, प्रधानमंत्री जी स्वयं किसी भी राजनीतिक दल और नेता का मूल्यांकन मैनिफेस्टो पे होता है कि आपकी घोषणा पत्र में क्या था और आपने क्या हासिल किया। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं उन घोषणाओं पर स्वमूल्यांकन करें, ईमानदार स्वमूल्यांकन करें, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज की तरह नहीं, तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहेंगे आई एम सॉरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे परिदृश्य देखिए। मैं डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत लोग बोल चुके हैं। क्या हमारे मुल्क में 4.5 वर्ष पूर्व मॉब लिंचिंग पर आप पत्रकार लोग हमसे नियमित रूप से प्रतिक्रिया लेते थे? एक भीड़ को पैदा किसने किया? आज, और मैंने सदन के अंदर कहा था कि भीड़ पे सभ्यता में किसी का नियंत्रण नहीं रहा। आज लोगों को मुगालता है कि भीड़ उनके नियंत्रण में है, भीड़ नियंत्रण में ले रही है। उसने इंस्पेक्टर सुबोध को उत्तर प्रदेश में ले लिया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को ले लिया। तो सामाजिक सौहार्द, आर्थिक सूचकांक अगर दोनों के सम्मिश्रण में मैं देखूं, तो अभी एक फिल्म बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं बनाऊंगा डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर। जवाब दीजिए विनोद जी, बड़ा हमला नरेंद्र मोदी जी पर। देखिए, डर इसका है, क्यों मिल रहे हैं कि जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अब अकेले मिलकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या सजायाफ्ता अध्यक्ष से नरेंद्र मोदी का मुकाबला होगा या लोकसभा में आंख मारने वाले नेता से नरेंद्र मोदी का मुकाबला होगा? न नीतियों में, न कार्यक्रमों का मुकाबला नहीं है। सब मिलकर जातीय गठबंधन करो और तब नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, वो भी असफल प्रयास। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जो पार्टी जातियों में लड़ा करके हजारों हत्या कराता हो वो मॉब लिंचिंग की बात करेगा? कभी अगली जातियों को पिछली जातियों से जो सैकड़ों हत्याएं बिहार में कराई वो पार्टी मॉब लिंचिंग की बात करता है? और जिसके नेता राहुल गांधी हैं, जहां हजारों लोग दिल्ली में मारे गए सिख समाज के लोग, मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या था? वो आज इनके नेता हैं और उन मॉब लिंचिंग की बात करते हैं जो एकाध घटनाएं होती है और इनके राज्यों में होती है, और उसको लेकर जब इनके गठबंधनों के राज्यों में इसको इशू बनाते हैं। इसलिए कोई इशू नहीं है, एक ही इशू है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबला नहीं हो सकता। जवाब दीजिए। सब लोग मिल जाएंगे और मिल करके एक कोशिश करेंगे जो असफल होगा। विनोद जी, मैं 77 याद कराना चाहूंगा। 77 में भी एक नेता को यही मुगालता था कि मेरी वजह से सब इकट्ठा हो रहे हैं। 77 से ही निकले हुए आप लोग भी हैं, आपका दल है। तो जब किसी व्यक्ति को यह मुगालता हो जाए कि वो संविधान, मुल्क और राष्ट्र का पर्यायवाची हो जाता है, तो उस मुगालते में, वो नीरो जैसी संकल्पना में रहने का उसको अधिकार है। मैं नहीं चाहूंगा आप वहां से हटे।
सजा याफ्ता आप जिनको बता रहे हैं वो सजा याफ्ता क्यों हैं, और न्यायालय की प्रक्रियाओं की अगर इतनी समझ होती तो टेलीविजन के स्टूडियो में, तब तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि रफाल की वजह से आलोक वर्मा को हटा दिया क्या, डर था क्या रफाल में? और जिसको आप कह रहे हैं राहुल गांधी, एंटी सिख राइट के लिए राहुल जी के परिवार ने, राहुल जी की पार्टी ने आम सॉरी कहा है सदन के अंदर, खुद प्रधानमंत्री ने जी ने अपोलोजाइज किया है, और यहां तो आपके दल में बायोडेटा में दंगा लेकर के लोग बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। मनोज जी, वो मनोज जी मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, लालू जी को जब सजा हुई तो 2013 का साल था, वो यूपीए की सरकार थी, वो तब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उस वक्त जो कानून बना वो यूपीए की सरकार ने बनाया, जिसको ऑर्डिनेंस के तौर पर राहुल गांधी ने फाड़ा प्रेस क्लब में आके। मैं कहना चाहता हूं क्यों लालू यादव की सजा का मतलब नरेंद्र मोदी से निकाला जाता है। अभी तेजस्वी उसी कुर्सी पर जहां बैठे बैठे थे और वो कह रहे थे कि मोदी जी ने उनको जेल में डाला, मोदी जी ने डाला कि उनके कार्य का उनके क्रियाकलापों ने डाला। सुमित जी, दूसरी बार मेरे इतने अनुभव वाले जीवन में आप दूसरी बार ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। एक बार एक बहस के दौरान आपने ये पूछा था, मैंने तब भी कहा था कि जुडिशियल हायरार्की और आर्किटेक्चर में नीचे की एक कोर्ट का फैसला 100 दफे ऊपर पलटा गया है, हमें उतनी तो स्पेस दीजिए। हम अब आपको मैं दूसरी चीज, मनोज बाबू एक मिनट, विनोद जी अशोक नीचे वाले विनोद जी, न्यायपालिका का सम्मान तो करना सीखिए आप लोग। विनोद जी, आप लोगों ने हत्याएं कर रही है, सम्मान तो करना सीखिए। यदि किसी न्यायपालिका ने आपको सजा दी, चार चार न्यायपालिका ने सजा दी है, सम्मान तो करिए। नरेंद्र मोदी ने फंसाया, इस तरह नीतीश कुमार ने फंसाया, सुशील मोदी ने, माफी तो मंगवाइए, तेजस्वी से कहिए कि माफी मांगे वो सुशील मोदी से, माफी मांगे नीतीश कुमार से। अगर ये पहलवान वाली बात करिए, ये पहलवान वाली बात मत करिए, ये पहलवान वाली बात मत करिए। हमारा भी मैं अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर रहा, एक करके एक एक मैं अशोभनीय टिप्पणी विनोद जी, विनोद जी, मनोज जी, विनोद जी, मनोज जी, अशोभनीय टिप्पणी नहीं करना चाहता। मनोज जी बोलिए, अगर अशोभनीय टिप्पणी पर आऊंगा तो आपके शीर्ष नेता से नीचे के नीचे तक कोई नहीं बचेगा। अरे लालू यादव की पार्टी भी कोई नहीं बचेगा, कोई कोई नहीं हंसेंगे। मनोज जी, मनोज जी, अशोभनीयता की मिसाल है राजद और उसकी पार्टी, गुंडागर्दी की मिसाल है राजद और उसकी पार्टी। इस कमरे में अगर कोई की बात करे, अगर कोई सबसे तेज चिल्ला सकता है वो मैं चिल्ला सकता हूं प्लीज, और आप दोनों से जवान हूं, आपसे दुगनी आवाज में चिल्ला सकता हूं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाकर नहीं, जनता की अदालत में हम हैं, बिहार की जनता लाइव देख रही है, देश की जनता लाइव देख रही है। जो विनोद जी आपने बातें की वो ठीक हो सकती है, आपकी जनता को समझ भी आएंगी, लेकिन मनोज जी को जवाब तो देने दीजिए, उनको जवाब देने का अधिकार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जवाब मांग रहा था, मुझे भी दीजिए जवाब देने का मौका। मनोज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने इतने दिन के राजनीतिक जीवन में मैंने अशोभनीय टिप्पणी, तीखी बहस, जोर जोर से चिल्लाने की कभी कोशिश नहीं की है, आप गवाह। बिल्कुल, मैं प्रूफ, पटना अगर दिल्ली से चल के आया था तो मुझे लगा एक सार्थक भाष। मैं सिर्फ इतना कहा कि आप इतना ध्यान रखिए कि एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को कई दफा पलटा गया है हायर जुडिशियरी में। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जो तमाम लोग बिहार के लोग भी जानते हैं, आलोक वर्मा साहब की एफिडेविट में क्या निकल करके आया था, उससे सबको डरना चाहिए, इनको भी डरना चाहिए, क्योंकि कल को अगर इनकी सरकार नहीं होगी तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है। एक पीएमओ के अधिकारी, एक तत्कालीन बिहार के नेता जो आप महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं, और एक केंद्र के कैबिनेट के मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एफिडेविट कह रहा, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बहस में हम लोग नीति और नियत पर बात करें, प्राथमिकताओं पर बात करें, और वहां मैं मान रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर स्वयं भी स्व मूल्यांकन करेंगे तो उनको कहना पड़ेगा मुल्क से, चाहे मन की बात में कहें, कहना पड़ेगा आई एम सॉरी। विनोद जी, मेरा आपसे सवाल है, विनोद जी मेरा सवाल सुनिए, इसके एक जवाब दे दीजिए, हल्का जवाब दे दीजिए। इस देश की राजनीति में एक नया भ्रष्टाचार का इल्जाम जो सामने आ रहा है वो राफेल को लेकर है। पीएम हर जगह कहते हैं कि आपकी सरकार पर कोई इल्जाम नहीं लगा 4.5 साल के कामकाज में, वहीं राहुल गांधी और आपके विरोधी हर मंच से कहते हैं कि राफेल में आपने एक खास उद्योगपति को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया। तो क्या यह करप्शन का मामला है कि नहीं है, और क्यों नहीं है, कैसे माना जाए कि आप लोग सच बोल रहे हैं? देखिए सुमित जी, ये मामला लोकसभा में विस्तार से बहस हुई, चर्चा हुई, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसको आप नहीं मानेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी कोर्ट है क्या इस देश में? और उस कोर्ट ने कहा कि कोई प्रोसेस में गलती नहीं है, फिर क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग। सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट भी गलत दिया गया,
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट गलत दिया गया, एफिडेविट सरकार ने पिटीशन लगाकर कहा कि इसका करेक्शन करना चाहते हैं। एफिडेविट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, पूरी प्रक्रिया के बारे में कहा कि यह प्रक्रिया सही थी, तो आप दोबारा जाइए, वहां तो रिवीजन पिटीशन का प्रोविजन है, आप गए क्यों नहीं, वहां तो और भी संवैधानिक बेंच पर अनेक प्रोविजन है कोर्ट में, क्यों नहीं गए, क्योंकि आप सिर्फ हल्ला करना चाहते हैं, आपके पास तथ्य नहीं है, तथ्य होते तो उसी कोर्ट में दोबारा। अगर आपके पास तथ्य है, मेरी आपको चुनौती है, आप जेपीसी बनवा दीजिए ना, नहीं अच्छा आप जेपीसी की जांच करा लीजिए, जेपीसी क्यों नहीं कराना चाहते, जेपीसी भी सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं जाते तो हम जेपीसी भी बनाते, सुप्रीम कोर्ट में गया, सबसे बड़ा न्यायालय ने फैसला दिया, अब ये मामला क्लोज हो गया है जनता की नजरों में, ये कितना भी चलावे। सुप्रीम कोर्ट की जिस एफिडेविट का जिक्र सुमित जी आप कर रहे थे, उस एफिडेविट की पहली लाइन थी, दिस इज हाउ इट इज डन एंड इट गोज टू सीएजी, इट गोज टू सीएजी के बदले लिखा गया सीएजी हैज सीन। मैं ये कहना कि प्रोसेस को इसमें तब्दील कर दिया गया कि यह हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, ये दो वाक्यों जिनको जोड़ दिया गया था कॉमा सेमीकोलन हटा करके, बाद में खुद सरकार ने उसकी तब्दीली दी और तब्दीली की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आना बाकी है, नंबर एक उस पर इंतजार करिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों जरूरी होती है, फाइल नोटिंग क्या है यह कोर्ट में नहीं पता चलेगा, किसने इरेजर लगाया, कैसे व्हाइटनर लगा, एक संस्था कैसे बाहर चली गई, एक व्यक्ति विशेष कैसे अंदर आ गया, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बगैर संभव नहीं है। वो फोर्स में हमने किया है, वो फोर्स में इस मुल्क ने देखा है, तो अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से डर तो उन्हीं को हो सकता है जिनको फाइल नोटिंग के पब्लिक हो जाने का ऐतराज हो। डरते हैं आप लोग, नहीं सुमित जी, सुमित जी वो विषय आप इसी विषय पर ही आना चाहिए, इनके पास कोई दूसरा विषय नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मनोज जी ने कहा कि अगला कोर्ट बाकी है, मैं मानता हूं अभी छोटे कोर्ट में चार कोर्ट भले ही न्यायालय दिया हो, बहुत कोर्ट बाकी है, क्या ये बात एक बार राजद वाले कहेंगे, इनके राष्ट्रीय पार्टी के सारे नेता जो आज कर रहे हैं तेजस्वी, ये कहेंगे क्या कि बाकी कोर्ट बाकी है, वो धरना देने की कोशिश करते हैं कि सुशील मोदी ने फंसाया, नरेंद्र मोदी ने पैताया, इस पर क्या एक बार माफी मांग सकते हैं जो इन्होंने आज कहा, क्या तेजस्वी इसको दोहराएंगे क्या, मैं इससे ये सवाल पूछना चाहता हूं। वो लोग तो घूम घूम कर कहते हैं कि न्यायालय का फैसला गलत है, लोगों ने फंसाया है, एक और आप न्यायालय को नहीं मानिएगा जब आपकी बारी आएगी, और जब दूसरी की, और जब आपके पक्ष में फैसला जाते समय कोर्ट जाते समय कहेंगे हमें न्यायालय पर भरोसा है, जो कहा सही एक, है एक, सिस्टम पर हमें भरोसा है, और अगले दिन आपके खिलाफ गया तो आप कहेंगे सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। विनोद जी आपको भरोसा है तो सजा रखना पड़ेगा। अब सुमित जी के बदले मैं आपसे इजाजत ले लूं, मैं बोलूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी हो या मेरे दल का कोई व्यक्ति हो, अगर आपको याद हो तो हाईकोर्ट सीबीआई कोर्ट रांची ने कहा था डिफेमेशन, बाद में आधारहीन पाया गया, हमें से किसी ने न्यायालय के बारे में कभी, न्यायालय और अनुसंधान की एजेंसियां दो चीजें होती हैं, ये दोनों का फर्क समझना होगा सर, इसलिए समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं, आपकी एजेंसीज के लोग ये बात आप कह रहे हैं कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई कभी नहीं हुई, आरबीआई में दो रिजिग्नेशन हो चुका है, ईडी प्रेडिक्टेबल है, और खुद लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आपके लोग कह रहे हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, इसलिए भी चुप हूं कि पता नहीं कल कौन तोता आके बैठ जाए, क्योंकि इशारा वहां से हो जाएगा तो हम बच नहीं पाएंगे। तो यह भयावह परिस्थिति है, रूल ऑफ लॉ में अगर ये चीजें हो जाएंगी कि इस इन एजेंसीज का नया सामान्य हो जाएगा, कि अगर बोलने दीजिए, देखिए ये लगातार बोलते 30 सेकंड और लगातार बोलते हैं और इनके पास बोलने का और इनके पास लगातार, मुझे इस बार एक बार 30 सेकंड सर, 30 सेकंड, 30 सेकंड विनोद जी, 30 सेकंड, 30 सेकंड तो आपका 30 मिनट बीच में, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं तमाम लोगों को, अगर मुल्क में पॉलिटिकल डिफरेंस को डील करने का यह तरीका हो जाएगा कि सीबीआई आपकी छत पे बैठेगी, आप पे रेड करेगी, आपको परेशान करेगी ईडी आईटी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अमृत पीकर के सत्ता में नहीं आए, अगर यह नया सामान्य हो गया कोई नहीं बचेगा, जिनको राज्य निकाला मिला था ना, तो आप धमकी दे रहे हैं, आप डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा, आप धमकी दे रहे हैं, इन एजेंसीज के बारे में बता रहा हूं। एक मिनट विनोद जी, आपको तो याद होगा मनोज जी कि आप तो मुझसे अधिक ज्ञाता है, अधिक जानकारी रखते हैं, सीबीआई को तोता कब कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब तोता कहा तो किसकी सरकार थी दिल्ली में, उसके बाद कल का एक बयान सुन लीजिए, उसी व्यक्ति ने रंजीत सिन्हा के वक्त में, मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में, जिस व्यक्ति कोयला घोटाले के वक्त में सीबीआई को कहा गया तोता, नहीं जिस व्यक्ति ने यह कहा था ना उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही उस तोते के बारे में, अब यह तोता तभी तो केस था, अब यह आजाद है,
लेकिन अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में है और एक दल से स्क्रिप्ट पाता है, वो दल उसको स्क्रिप्ट पहुंचाता है जो आजकल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट कर गया ऑफिस। सुमित जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी को 9-9 घंटे तक जब वो मुख्यमंत्री थे तो इंटरोगेशन नहीं हुआ सीबीआई के द्वारा? उनको वहां के राइट में फंसाने की कोशिश नहीं हुई? तथ्य था तो बेदाग निकले और सोना तो बदला ले रहे हैं। आग में तो आप बदला ले रहे हैं विनोद जी, चमक के निकलता है, बदला नहीं ले रहे। मैं पूछ रहा हूं क्या ये नया सामान्य है? बदला नहीं ले रहे तो चमक के निकला है नरेंद्र मोदी निकले। यदि इनके नेता बेदाग होते तो बड़े कपिल सिब्बल को रखे, कई एमपीओ को तो इन्होंने राज्यसभा दिया इसीलिए, कई वकीलों को, इनके नेता को बचा लेंगे। यदि तथ्य नहीं होता तो इनके नेता 4 कोर्ट से जेल नहीं जाते। इतना तो मान लीजिए, कोर्ट का न्यायालय मान्य है मुझे, वहां तो मान लीजिए मुझे। और हमारे नेता गए सीबीआई के सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 9-9 महीने जेल रहे, बेदाग थे, जेल से बाहर आए, सारे बहस हुई बेदाग, वो भी यदि लगता है कि बेदाग होंगे तो हम लोगों को गाली क्यों देते हैं, इस पर धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? जवाब दीजिए मनोज, ये क्यों कहते हैं कि फंसा दिए? ये तो सच्चाई है जो विनोद जी ने कहा अमित शाह के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में, सच्चाई है। ये अद्भुत सच्चाई है जो इनकी प्रयोगशाला में बनता है। इस सच्चाई को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बेदाग होकर निकले ना, इंतजार करिए बेदाग होकर निकलेंगे। और हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है कि जिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और वो सुन भी रहे होंगे अभी आपको, खुश होंगे, जिनको एक्विटल हुआ उनका सीबीआई ने चैलेंज क्यों नहीं किया एक्विटल? ये प्रश्न है सीबीआई में, यह प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। सीबीआई ने उसको दरकिनार किया है और क्यों किया है? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत है? अरे आप तो ऐसी हालत में है ना, बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहे, पूछ लीजिए अपने ही लोगों से। आपके लोग भी डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों के बारे में भी ये चीजें कर रखी हैं। बस उस यही मेरा दृष्टिकोण है विनोद जी, डरने की बात जहां तक मेरे सवाल तो सुनिए, आरजेडी के कार्यकाल से ज्यादा लोग डरे हैं क्या? यहां लोगों ने रात को घर से निकलना मुजफ्फरपुर आरजेडी के कार्यकाल में नहीं हुआ, निकली थी मुजफ्फरपुर आरजेडी के कार्यकाल है हुआ। ये डर की मुजफ्फरपुर हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। 15 साल याद बच्चियों के साथ संभ्रम हमारे कार्यकाल में नहीं, दिल आज घोटाला हमारे कार्यकाल में, लोगों के चेहरे कांप उठते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल को याद करके। एक विनोद जी, इन बच्चों को विनोद जी इसलिए इन बच्चों को हमने शांति से बिहार को विनोद जी मुजफ्फरपुर किया है। मुजफ्फरपुर आपकी शांति का प्रतीक है, सरकार ने मुजफ्फरपुर आपकी शांति का प्रतीक है स्थापित किया है। वो बच्चियां शांति के प्रतीक निकलते हैं और इनके राज में विनोद जी था। अभी शेल्टर होम याद है कि नहीं याद है? मंजू वर्मा याद है कि नहीं याद है? सब याद है। किसके राज में हो रहा है? मंजू वर्मा जेल, क्राइम रेट कब गई? मंजू कब गई? कितने दिनों के बाद गई? कोर्ट ने क्या कहा? शहाबुद्दीन अभी भी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, हमारी पार्टी में जी नहीं लगा, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य है वो, अभी भी उनकी पत्नी टिकट। क्राइम का रेट बिहार में बड़ा अच्छा चल रहा है क्या? खत्म हो गया बिहार में क्राइम जब से आपकी सरकार बनी है? देखिए खत्म, मुख्यमंत्री अब से आप लोग जुड़े हैं साथ में, जो सत्ताधारी दल की बढ़ गया है पहले से, संस्थागत क्राइम था हमने उसे नियंत्रित किया है। और क्राइम फ्री की हम दावा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जमीन का मामला है, क्राइम फ्री नहीं कहीं का, क्राइम फ्री तो आदर्श विचार है, वो तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया में नहीं होती है, लेकिन जमीन का मामला बाकी मामले, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो राजद के घर से संचालित था वो बंद हो गया। सत्ताधारी का कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता आपके घर से, सुशील मोदी के राज में कि घर से मुखिया के घर से संचालित होता था। जवाब दीजिए, जो क्रिमिनल की एक्टिविटी में पकड़ेगा जेल जाएगा, पद से हटना पड़ेगा। सुनिए जवाब सुनिए। नहीं बहुत मतलब तथ्य के बगैर भी कैसे चिल्लाया जाए इसकी मैंने आज थोड़ा मुझको आपको हुआ। आप तो बहुत पुराने चिल्लाने वाले हैं, क्यों हमें कहते हैं? आप बड़े होशियारी के शब्द हैं, दिल्ली में सीखा है, हम तो ठेठ बिहारी हैं, बिहारी भाषा में बोलते हैं, आप दिल्ली वाले हो गए हैं इसीलिए अच्छी भाषा जानते हैं। मैं मुझे लगता है उस कुर्सी में कुछ दम है। नहीं मैं अभी उसमें रघुवंश बाबू बैठे थे, चिल्ला रहे थे। मैं आप ही की पार्टी के, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ, क्राइम पर चर्चा करने के लिए मैं किसी भी राज्य के उनके अपने आंकड़े देखता हूँ, आगे पीछे के आंकड़े देखता हूं, आपके चैनल के माध्यम से होशो हवास के साथ कहता हूं, विनोद जी हमारे दौर से लेके अब तक का डेटा सामने रख लीजिए, एबीपी एक कमिटेड बहस कर ले। नंबर एक, मैं मुजफ्फरपुर जब हुआ ना तो मुझे सरकार से ही सिर्फ शिकायत नहीं हुई, अपने समाज से भी शिकायत हुई। उन बच्चियों, वो सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वोटर नहीं है,
लेकिन उन बच्चियों के साथ जो हुआ और उस पर सरकार की जो मैंने चुप्पी देखी वो आपराधिक चुप्पी है। और उसके बाद आप देखिए सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम है, आप हाथ जोड़ के गिरगिरा रहे हैं पितृपक्ष में अपराध ना करना, उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पीस की अपील करने का ये तरीका डिफेंड कर पाएंगे पूरी दुनिया में अपने उपमुख्यमंत्री को डिफेंड कर पाएंगे? ये जो कर रहे हैं ना वो किस परिप्रेक्ष्य में था वो एक सामान्य बालक मैं उनसे पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं जवाब दीजिए पहले, पूछेगा बाद में। नहीं वो जवाब तो दे रहा हूं, खड़ा होकर जनता से अपील की अपराध मत करिए, कही थी उसकी गलत व्याख्या की इन लोगों ने, वो नहीं कहा था उन्होंने जिस तरह से। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, यदि मुजफ्फरपुर की घटना हुई तो सरकार के किसी लोगों ने मदद नहीं की, मिनिस्टर का नाम आया पद से जाना पड़ा, सरकार का नाम यदि जितने भी लोग थे वो जेल में हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जब इनके बड़े नेता पर ये चार्ज हुआ तो सेना को कहना पड़ा, पूछना पड़ा कि यदि लालू यादव कल इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा। और इसलिए वो परिस्थिति याद न कराइए, हम कानून के रखवाले हैं, कानून के शासन में विश्वास है। राजद के लोग, राबड़ी जी किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनी थी बिहार के लोग भूले नहीं हैं। कानून के शासन की बात आपकी जुबान से अब अच्छा इसलिए नहीं लगता कि आपके डीजीपी खुद कह रहे हैं कि एसपी नहीं सुन रहे हैं। ये आप मंत्रिमंडल में हैं, पता नहीं आपकी सुनी जाती है या नहीं, आप उसको ध्यान में रखिए। नंबर दो, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आप हमारे जिस दौर की बात कर रहे हैं ना, मैं तो आज आपको कह रहा हूं दावा के साथ, अपने सबसे बड़ा नेता ये, आप आइए और मेरे साथ बहस कीजिए आंकड़ों पर, हवाबाजी पे बहस नहीं होती है। और तीसरी चीज, दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक बार उन 44-45 बच्चियों की नजर से देखिए, वो वोटर नहीं है लेकिन उन बच्चियों ने संदेश दिया है। आपका तो पूरा का पूरा उसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट था, आप लोगों का, आपकी प्रणाली के अंदर ये चीजें हो रही थी, सृजन आपकी प्रणाली का दोष है, आप उस पर चुप्पी आशा दे। अगर मैं मनोज जी की बातें मान लूं, एक मिनट विनोद जी सुनिए ना, अगर मनोज जी की बातें मान लूं ऑन फेस वैल्यू पे, या रघुवंश बाबू उस कुर्सी पर बैठे थे उनकी बातें मान लूं पिछले सेगमेंट में, तो इस बार तो एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला बिहार में। वो लोग तो कह के गए रघुवंश बाबू की आपका खाता नहीं खुलने देंगे यहाँ पर, यदि मुंगेरी कितनी सीटें जीत लेंगे आप। सुमित जी, मुंगेरी लाल यदि हसीन सपने देखना चाहता हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको मुबारक हो। खाते तो इनके नहीं खुलेंगे, लोगों को मालूम है उनकी वही हालत होगी जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं थे तो इस बिहार में हमने 31 सीट जीतने का काम किया था। इस बार नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 में 40 सीटें जीतेंगे, मैं आपके सामने कह रहा हूं। इनका खाता यदि खुल जाए तो आप मुझे बताएंगे, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने चार भी खाता बंद करा दीजिए, चार सीटें ली थी 2009 याद करिए, हम 32 सीटें जीते थे जब नीतीश कुमार जी। जवाब सुनिए, जवाब, हम आगे बढ़ेंगे, पीछे घटने का तो सवाल ही नहीं है। एक तो सीधी सी बात है कि जिस नीतीश जी के तर्क के आधार पर कर रहे हैं वही शायद कारण न हो जाए आपकी सीटें घटने का, एक तो मैं पहली चीज ये कहना चाहता हूं। दूसरे, मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट में रखता हूं अपनी पार्टी को, मेरा ये मानना है कि आप सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं करिएगा। अब ये 9 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 0 नहीं होगा आपका, इतना मैं कहता हूं। यदि एकाध सीट ये जीत लें तो गनीमत है, फिर मिलेंगे और फिर मिलेंगे, इतने लोग मेरे आए हैं एकाध सीट। अरे भूल गए, लालू यादव इस राज्य में हारे हैं, राबड़ी जी इस राज्य में हारेंगी और वही बदला फिर आ रहा है, उनके बेटे अगले चुनाव में हारेंगे नीतीश कुमार की कृपा से। अभी अररिया में आप लोग हारे हैं भाई, उपचुनाव बन गए, ठीक है, उपचुनाव हारे हैं आप लोग, तेजस्वी जीते हैं। उपचुनाव की राजनीति अलग होती है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल आएगा, एक और लालू यादव होंगे, एक और नीतीश, एक और नरेंद्र मोदी होंगे, लोग नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, एक और आंख मारने वाला होगा, एक और सजायाफ्ता होगा, तो बेदाग नरेंद्र मोदी को लोग चुनेगा। जवाब दीजिए मनोज जी। मैं तो किसी भी दिन आंख मारने को बेहतर मानता हूं बनिस्बत संविधान को मारने वाले से, तो ये फर्क रखिएगा। नंबर एक, नंबर मनोज जी, जिसने अध्यादेश को फाड़ा था वो संविधान को माना था क्या? जिसने सरेआम राहुल गांधी ने फाड़ दिया था वो उससे बड़ा संविधान विरोधी दूसरा हो सकता है क्या? बहस को स्थानीय बात तो मीठी रखिए, आप रखिए ना, आप आरोप लगाइए तो हम लगाए तो आपको छोटा अस्तर लगता है, हमने तो कहा हम बिहारी हैं, आप दिल्ली वाले हैं, आपका बड़ा अस्तर है। मैं कितना बिहारी हूं, कभी आमने सामने कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जोड़ लीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स, हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जिसको कह रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा, प्रधानमंत्री जी खुद सबसे बड़े वल्नरेबल पॉइंट है
उनकी वजह से आप चुनाव हारिएगा। लोग उनकी शक्ल देखते हैं और उन वादों को याद करते हैं, एक पहली चीज। दूसरी चीज, आप शायद भूल रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बीच में आपके बारे में बन गई है बात कि आप मेहुल भाई को सोचते हैं, नीरव भाई को सोचते हैं, आप आम आवाम के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये जो चुनाव है ना, हम भारत के लोग की वापसी का चुनाव है, वी द पीपल, जो प्रस्तावना की पहली पंक्ति है। और आप संघ के जहर के खिलाफ ये चुनाव है, और वो जहर इस मुल्क में कभी नहीं चलेगा। सुमित जी, गरीबों को ठगने का काम 15 वर्षों तक किया था इन लोगों ने, गरीब आज भी पछता रहे हैं। और आज वही गरीब पूछेगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ इसीलिए मेहुल चौकसी और विजय माल्या भागा, कांग्रेस और राजद की साथ फोटो खिंचवाया साथ में, वो कई बार मेहुल भाई मेहुल भाई जी भागना पड़ा उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जोरदार बहस के लिए। जोरदार तालियां दोनों मेहमानों के लिए। जनता को तय करना है कौन सा झा जीता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।